तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप जियो का फोन चलाते हैं तो आपको ये वाले प्लान का रिचार्ज करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट आप लोग को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये ऑफर 1 मार्च 2021 से एक्टिव है, मतलब इसका रिचार्ज आप करवा सकते हैं कभी भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये प्लान बेहद मतलब अच्छा है। यदि आपके जियो फोन का प्लान खत्म हो गया, ये वाला प्लान ले लीजिए, आपका काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाला है जो जियो की तरफ से लॉन्च किया गया है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको सजेशन देंगे और कौन सा प्लान है, कैसे रिचार्ज कराना है, कैसे कैसे क्या, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए कमाल स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे कैसे क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्या। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप रिचार्ज करवाते होंगे अपने जियो फोन का ना, तो 75 रुपये वाला रिचार्ज करवाते होंगे तो 75 रुपये में हमको मिलता क्या है, 3 GB डेटा मिलती है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है और SMS मिलता है। यही हमको मिलता है 75 रुपये में, ठीक है, एक महीने नहीं कहें तो 28 दिन के लिए मिलता है, ठीक है, 28 दिन के लिए हमको इतना सारा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जियो ने एक अपना ऐसा प्लान लाया है जिसमें सब कुछ आपको मिलने वाला सस्ते प्राइस में। यदि बात करें हम, जैसे मान लीजिए हम 75 रुपये का यहाँ पर रिचार्ज करवाते हैं 1 साल के लिए, तो 28 दिन का ही मतलब हमको प्लान मिलता है। एक तरह से कहें हमको साल भर के लिए 13 महीने का प्लान लेना पड़ता है, तो 75 का यदि आप 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 975 रुपये होगा, ठीक है, 975 का हमको 1 साल में रिचार्ज का मतलब देना पड़ जाता है पैसा। और यहीं पे बात करें यदि ऑफर की, तो जो ऑफर है ना 749 रुपये में आप यदि रिचार्ज करवाते हैं जियो फोन का, तो आपको कितना मिलने वाला है, 749 का रिचार्ज करवाएंगे तो आपको 1 साल की वैलिडिटी फ्री मिलने वाली है, अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और पर महीने 2 GB डेटा पा सकते हैं, ठीक है। और जियो फोन है तो हम 2 GB डेटा में अपना महीने भर काम चला सकते हैं क्योंकि डेटा उसमें बहुत कम यूज होती है, ठीक है। 749 के प्लान में हमको इतना मिलता है, 2 GB डेटा पर मंथ मिलता है, कॉलिंग भी मिलता है। और यदि 75 का रिचार्ज कराते हैं तो आप मतलब 3 GB डेटा मिलता है और कॉलिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 GB डेटा और कॉलिंग मिलता है तो इतने में हमारा काम यदि हम स्लो में यूज करें तो हम मैनेज कर सकते हैं 2 GB डेटा, मतलब उसमें जियो के फोन में ज्यादा आप लोगों को पता होगा खर्च नहीं होता डेटा वगैरह, हम लोग मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो और जियो की जो ऐप्स वगैरह होती हैं तो फ्री होती हैं, उसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं, जैसे जियो म्यूजिक हुआ, जियो का जो यहाँ पे टीवी वगैरह सब तो फ्री में यूज होता ही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो मैं आपको सजेशन दिया, यदि प्लान अच्छा लगे तो करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद करें किए होंगे, यदि पसंद किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।